नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हां साथियों, हम बात करेंगे कानून नंबर 41। जी हां साथियों, कानून नंबर 40 अनुच्छेद इसको बोल सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। इसको सऊदी सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय उन्होंने बंद कर दिया है। जी हां साथियों, फरवरी की से बात करें तो अब आप सोच सकते हो यार 41 अनुच्छेद से हमें क्या मतलब है, इससे हमें क्या लेना देना है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा मतलब है, ये आप ही के काम से रिलेटेड है, श्रम मंत्रालय। जी हाँ साथियों, श्रम मंत्रालय ने अगर इसको खत्म किया तो श्रम से रिलेटेड हो गया ना, श्रम कानून से रिलेटेड ये कानून बना हुआ था। जी हाँ सर, इससे रिलेटेड हम बात करना चाहेंगे आपसे, आपके ये काम का है जो सऊदी में काम कर रहे हैं, तो आप इसको वीडियो पूरा देखिए ताकि आपके ये काम आए, आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, क्योंकि कंपनियां बड़ी शाणी होती है। समझ गए बात को। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई मैं बता दूं, देखिए 16 अप्रैल 2019 में सऊदी सरकार ने जो मानव संसाधन मंत्रालय उन्होंने कानून बनाया था जिसको नाम दिया गया था आर्टिकल 41। जी हां साथियों, अब आर्टिकल 41 क्या है, ये आर्टिकल उस दिशा में बनाया जाता है, उस दशा में बनाया जाता है, उस कारण की वजह से बनाया जाता है कि कोई महामारी ऐसी हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19। जी हाँ साथियों, कोरोना एक ऐसी बड़ी महामारी थी, इस वजह से सऊदी सरकार को यह कानून बनाना पड़ा। मार्च से ये लगभग पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था और 16 अप्रैल को ये कानून बन गया था 2019 में। इसमें कानून क्या था, कंपनियों के पक्ष में कानून था, आपके विपक्ष में था ये। कंपनियों को इसमें क्या छूट मिली हुई थी बता दूं, आप वर्कर की सैलरी में कटौती कर सकते हैं, आप कंपनी वर्कर को बिना छुट्टी बिना सैलरी दिए उसको अनपेड लीव पे घर भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर उसके काम में कटौती कर सकते हैं। जैसे 8 घंटे की आप 1500 सैलरी देते हैं तो 4 घंटे भी उससे काम करवाया जा सकता है, आधी सैलरी में वो काम करने के लिए एग्री होगा। ये सरकार ने बता दूं, मानव संसाधन मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2019 को कानून बनाया था आप लोगों के लिए। जी हाँ, हालांकि बनाना जरूरी था भाई, कोविड की वजह से प्रॉब्लम सबको आ रही थी। जी हाँ साथियों, जो काफी टाइम से चला रहा था, 16 अप्रैल के बनने के बाद इसको 3 महीने जैसे हुए तो 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी एवरेज लगभग 6-7-8 महीने तक ये कानून रहा था। लेकिन अभी आपको पता है कोविड की महामारी खत्म वैसे हो चुकी है, हालांकि चल रहा है, लेकिन उस तरीके से जो तरीका अप्रैल मार्च में था वो अब नहीं रहा, रेगुलेशन आ रहा है, लोग काम कर रहे हैं, कंपनियां वगैरह सब रोटेशन में चल रहा है वहां पे, हालांकि फ्लाइटें बंद है वो एक अलग इश्यू है। इसलिए बता दूं, मानव संसाधन मंत्रालय ने अब फरवरी में इस कानून को स्टॉप कर दिया, यानी हटा दिया है, अब 41 आर्टिकल लागू नहीं होगा। अब लागू नहीं होने का मतलब आपको, आप सुन लीजिए, आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको कंपनी अनपेड लीव पे छुट्टी नहीं भेज सकती, आपकी तनख्वाह नहीं काट सकती, ठीक है, या फिर आपको पूरा काम उसको देना पड़ेगा, जैसे आपकी ड्यूटी 8 घंटे। अब जो कानून पहले आपके विपक्ष में था ये हटते ही आपके पक्ष में आ गया, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपकी सैलरी, आपका काम, आपकी छुट्टी, ये आप वो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से, जो आपका एग्रीमेंट पहले हुआ था, जिससे पहले कर रहे थे मार्च से पहले, फरवरी में जनवरी में कर रहे थे 2019 के अंदर, वो ही दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं, अभी भी अगर कंपनी आपको ये आर्टिकल 41 का आपको ये दिखा के दिए, बोले ये देखिए हमारे पास सर्कुलर, कंपनी का सर्कुलर है या सरकार का सर्कुलर है कि आप तनख्वाह काट लो, आप जॉब इनको कम दे दो, आप अनपेड लीव पे इनको घर भेज दो या इनको रूम पे बिठा दो, तो ऐसा बंद कर दिया गया फरवरी से। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, अपने आपको पता चल गया तो अपने साथियों को भी ये बात जरूर बताइए, वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय